यूपी में मदरसों की तालीम को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। 8 महीने पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 20 साल पुराने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तब से ये बहस और भी तेज हो गई थी। लेकिन मदरसों में शिक्षा को लेकर एक अहम फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को राहत देते हुए मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी, जैसे कि मदरसों में छात्रों को मजहबी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वहां पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मदरसे फाजिल और कामिल जैसे डिग्री नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की डिग्री सिर्फ और सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही दे सकते हैं। इसलिए यूपी मदरसा बोर्ड को इन डिग्रियों के समकक्ष डिग्री देने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका स्वागत किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये कहकर क्रेडिट ले रही है कि ये एक्ट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनवाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही करार दिया है। वहीं यूपी की योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि योगी सरकार ने भी कहा था पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं होगा। लेकिन सबकी जीत के संदेश के साथ ही कुछ सवाल भी छिपे हुए हैं। सवाल यह है, क्या मदरसों को लेकर सियासी संग्राम पर अब रोक लग जाएगी? क्या यूपी का मदरसा एक्ट दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा? सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों को आधुनिक शिक्षा के करीब लाया जा सकेगा? और सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसकी जीत है? आज की बहस की शुरुआत से पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। ऐसे यूपी मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया और कहा है कि मदरसा बोर्ड पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है और मदरसों में किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसा बोर्ड फाजिल और कामिल जैसी उच्च डिग्री नहीं दे सकता। ये एक हिस्टोरिकल और एक तारीखी जजमेंट है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि ये मदरसे या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस साल 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने सरकारी पैसे पर मदरसा चलाने को धर्म निरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाए। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि इससे 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षकों पर असर पड़ेगा। संचालकों के मुताबिक मदरसे में छात्र मजहबी शिक्षा के साथ दूसरे विषय भी पढ़ते हैं। मदरसों में वही पाठ्यक्रम होता है जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी है। मदरसा संचालकों की ओर से ये भी कहा गया कि सिर्फ 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी ना चाहती है कि मुसलमान मदरसों में पढ़े, ये चाहते हैं कि बड़े बड़े एसी वाले स्कूल हों सिर्फ अमीर घरानों के लिए, और जो 80% समाज है वो बकरी भैंस चराए। माननीय न्यायालय का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम किया है और ईमानदारी से हम अपने छात्रों के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि वो मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है। यूपी सरकार का कहना था कि मदरसा एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। यूपी में मदरसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज है। वहीं झारखंड के हजारीबाग की रैली में सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया है। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे। बहन और भाइयों, यह समय बटने का नहीं है। दिल्ली से निपुण सहगल और लखनऊ से विवेक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।